करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया में 3 आईज का कोई मुकाबला नहीं, IIT, IIM एंड IAS। लेकिन इन दिनों में से IAS का रुतबा सबसे अधिक है। हर साल लाखों परीक्षार्थी IAS ऑफिसर बनने की चाह में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठते हैं, पर इनमें से 0.25% से भी कम लोग IAS ऑफिसर बन पाते हैं। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि IAS बीट करना कितना मुश्किल काम है। और ऐसे में जो कोई भी इंसान इस एग्जाम को क्लियर करता है उसके लिए मन में अपने आप ही एक अलग इमेज बन जाती है। और जब ऐसा करने वाला इंसान बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से हो तो उसके लिए मन में और भी रिस्पेक्ट आना स्वाभाविक है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी शेयर कर रहा हूँ जो हजारों दिक्कतों के बावजूद अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत के बल पर IAS ऑफिसर बना। ये कहानी है गोविंद जायसवाल की। गोविंद के पिता एक रिक्शा चालक थे। बनारस की तंग गलियों में एक 12x8 के किराए के कमरे में रहने वाले गोविंद का परिवार बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। ऊपर से ये कमरा ऐसी जगह था जहाँ शोरगुल की कोई कमी नहीं थी। अगल बगल में मौजूद फैक्ट्रियां और जनरेटरों के शोर के कारण एक दूसरे से बात करना भी मुश्किल था। नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक सारा काम इस छोटी सी जगह में गोविंद और उसके माता पिता और उसकी 2 बहनें करती थी। पर ऐसी परिस्थिति में भी गोविंद ने शुरू से पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। अपनी पढ़ाई और किताबों का खर्चा निकालने के लिए 5वीं कक्षा से ही ट्यूशन पढ़ाने लगा। बचपन से ही उसे ताने सुनने पड़ते थे, चाहे तुम जितना पढ़ लो, चलाना तो रिक्शा ही है। पर गोविंद ने इन सब बातों को ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई में जुटा रहा। उनका कहना है, मुझे डाइवर्ट करना असंभव था। आसपास के शोर से बचने के लिए वो अपने कानों में रुई लगा लेते और ऐसे वक्त जब डिस्टर्बेंस ज्यादा होती तब वो मैथ्स करते और जब कुछ शांति होती तब वो अन्य सब्जेक्ट पढ़ते थे। रात में पढ़ाई के लिए अक्सर उन्हें मोमबत्ती, डेबरी इत्यादि का सहारा लेना पड़ता था क्योंकि उनके इलाके में 12 से 14 घंटे बिजली की कटौती रहती थी। क्योंकि वो शुरू से स्कूल के टॉपर रहे थे और उस साइंस सब्जेक्ट में भी काफी तेज थे, इसलिए 12वीं कक्षा के रिजल्ट के बाद कई लोगों ने उन्हें इंजीनियरिंग करने की सलाह दी। उनके मन में भी एक बार यह विचार आया, लेकिन उन्हें जब पता चला कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस 500 रुपए है तो उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और BHU से अपनी ग्रेजुएशन करने लगे जहाँ सिर्फ 10 रुपए औपचारिक फीस। गोविंद अपने IAS अफसर बनने के सपने को साकार करने के लिए पढ़ाई कर रहे थे और फाइनल प्रिपरेशन के लिए वो दिल्ली चले गए। लेकिन उसी दौरान उनके पिता के पैरों में गहरा घाव आया और वो बेरोजगार हो गए। ऐसे में परिवार ने अपनी एकमात्र संपत्ति एक छोटी सी जमीन को 30,000 रुपए में बेच दिया ताकि गोविंद अपनी कोचिंग पूरी कर सके। और गोविंद ने भी उन्हें निराश नहीं किया। 24 ईयर्स की उम्र में अपने पहले ही अटेम्प्ट में 48वां स्थान लाकर उन्होंने अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अंग्रेजी का अधिक ज्ञान ना होने पर उनका कहना था, भाषा कोई परेशानी नहीं है, बस आत्मविश्वास की जरूरत है। मेरी हिंदी में पढ़ने और व्यक्त करने की क्षमता ने मुझे अचीवर बनाया। अगर आप अपने विचार व्यक्त करने में कॉन्फिडेंट है तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। कोई भाषा इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं होती, यह मत सोसाइटी द्वारा बनाया गया एक प्रिसेप्शन है। भाषा सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, खुद पर भरोसा रखो। पहले मैं सिर्फ हिंदी जानता था, IAS अकेडमी में मैंने इंग्लिश पर अपनी पकड़ मजबूत की। गोविंद जी की यह सफलता दर्शाती है कि कितने भी अभाव क्यों ना हो, यदि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कोई अपने लक्ष्य प्राप्ति में जुट जाए तो उसे सफलता जरूर मिलती है। आज उन्हें IAS ऑफिसर बने 11 साल हो चुके हैं और उनके संघर्ष की कहानी हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, मैं हूँ रवि किशन, आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर। देखते रहिए सारी खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव, आपके दिल में, आपकी आंखों में।